विच पर प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और विद इन दी कंट्री। आउटसोर्सिंग इंप्रूव क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ ग्रोथ इन आईटी सेक्टर और बाकी फिर सारी सर्विसेज हैं जो हमें पता होनी चाहिए कौन कौन सी थी। इसमें फिल्म एडिटिंग था, बैंकिंग था, म्यूजिक रिकॉर्डिंग था, अकाउंटेंसी था, क्लिनिकल एडवाइस थी, टीचिंग थी, एटसेट्रा। तो इसी के साथ ग्लोबलाइजेशन भी एंड हो जाता है बेटा। अब हमारे पास टॉपिक आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। WTO भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये आपका थर्ड चैप्टर जो है, इसके अंदर कोई भी चीज आप स्किप नहीं कर सकते। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जितना टाइम हमें इन तीन चैप्टर्स को करने में लगा है, उतने टाइम के अंदर आईईडी के बाकी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला है जो हमने टॉपिक अब करना है यहाँ पे, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO वॉज फाउंडेड इन द ईयर 95 एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, दैट इज GATT. GATT was established in 1948 with 23 countries as the global organization to administer all multilateral trade agreements by providing equal opportunities to all the countries in the international market for trading purposes. एक बार बताओ बेटा, आपके हिसाब से इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए सर। होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या फायदे हैं इंटरनेशनल ट्रेड के? मतलब प्रोडक्ट्स अगर बाहर वाली कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए तो कंज्यूमर्स के लिए चॉइसेस ज्यादा हो जाती हैं। और चलो एक-एक करके देखते हैं। चलो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आज सारे के सारे लोग खुद ही बताएं। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सर, जिन प्रोडक्ट्स की हम इंडिया में प्रोडक्शन नहीं कर सकते वो देखो, सबसे पहला हमें दे दिया वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस या वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर्स, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर कंज्यूमर्स। दूसरा पॉइंट हमें बताया दोज गुड्स विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। Which cannot be produced, can be imported. और क्या हो सकते हैं बेटा? दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा पता चलेगा। मैं समझा नहीं, आप कह रहे हो बेसिकली मार्केट ट्रेंड्स एंड ऑल के बारे में पता चलेगा। तो अगर मैं इसको टर्म देना चाहूं वो हो सकती है कि सोशल बैरियर्स रिमूव होते हैं, रिमूवल ऑफ सोशल बैरियर्स। और जैसे कि हम लोग आज के टाइम पे एक बड़ी सिंपल सी चीज देखते हैं कि हम लोग जो है वुमेन इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इंडिया ऐसा पहले से था नहीं। इंडिया जो है वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी हमेशा से, बट आज के टाइम पे जो है वुमेन जो है उनको काफी ज्यादा चीजें मिल गई हैं, काफी सारी चीजें उनके फेवर में आ गई हैं। जैसे एक मी टू मूवमेंट भी आया था अभी, इसके अलावा काफी सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें अगर आपने देखा हो कि आज के टाइम पे अगर कभी लड़ाई भी होती है तो फीमेल जो होती हैं दूसरी फैमिली की, वो लोग बीच में आ जाते हैं और वो केस जो है उनकी फेवर में हो जाता है।
इनफैक्ट मैं आपको एक सिनारियो बताऊं तो मेरा भाई ऑलमोस्ट तिहाड़ जाते जाते रह गया था इस चक्कर में, कुछ पार्किंग को लेके इशू हो गया था, तो उनकी फैमिली ने, जो उनकी डॉटर इन लॉ थी, उन्होंने कपड़े फाड़ दिए थोड़े से और कह दिया जिसने मेरे पे मोलेस्ट करने का वो किया। सो एक ये चीज जो है यहाँ पे आ गई है। सो ये एक इसका देखा जाए तो इंटरनेशनल ट्रेड का ना आप ये भी डाल सकते हो, या ग्लोबलाइजेशन जो है। आपने ना एक काम करना है बेटा, आज आपके लिए एक टास्क है दैट यू हैव टू राइट 10 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन से पॉजिटिव क्या क्या हुआ है और नेगेटिव क्या क्या हुआ है। मुझे याद है जब मैं 11th में था तो मुझे ये प्रोजेक्ट वर्क मिला था, हमें 50-50 पॉइंट लिखने के लिए कहे गए थे ग्लोबलाइजेशन पे, क्या क्या लिख सकते हो आप, 50 पॉजिटिव और 50 नेगेटिव। ये मिला था मुझे जो 2 महीने की छुट्टियां होती हैं उसमें। तो आप लोगों को भी 10-10 पॉइंट्स लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने के क्या पॉजिटिव या नेगेटिव है। आई गेस मैंने असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन डाला भी होगा कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और क्या हो सकता है बेटा, इन तीनों के अलावा? सर जो हमारी कंट्री में जो एक्सेस बन रहा है तो फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल हो सकता है। सो हम कह सकते हैं डिस्पोजल ऑफ सरप्लस व्हिच हेल्प्स इन सरप्लस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज leads to increased revenues, हमारे revenues भी बढ़ जाते हैं, profits भी add हो जाते हैं। और क्या हो सकता है? एक और काफी important है sir, reputation भी बढ़ती है। और कोई चीज बेटा? sir foreign exchange। चलो ठीक है, foreign exchange हमारे पास आ गई, inflow of forex हो गया, inflow outflow of forex हो गया। और एक term है जो मैं सुनना चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में है, जब तक वो नहीं आएगी तब तक मैं लगा रहूंगा। सर हम उनकी मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अच्छा चलो ये हम डाल देते हैं कि इंक्रीज्ड कंपटीशन, दोनों तरीके से जो है कंपटीशन बढ़ जाता है, हमारी मार्केट के अंदर भी कंपटीशन बढ़ जाता है और सेलिंग मार्केट के अंदर भी कंपटीशन और हो जाता है। और क्या बेनिफिट हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड का? आपको पता है वैसे जो ये आप सारे पॉइंट्स बता रहे हो ना ये, हाँ बोलो प्राइस के, हम प्रायर कर सकते हैं। आवाज नहीं आई बेटा, स्पाइरल आ रहे हैं। जैसे अगर इंडिया प्राइस अगर हाँ तो वो कंपटीशन हो गया ना भाई, कि कंपटीशन अगर यहाँ इंडिया में कोई चीज महंगी है तो हम बाहर से खरीद लेंगे, कंपटीशन बढ़ गया, वो एक ही चीज है। और एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग, ठीक है हम कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन भी होता है। चलो और कोई चीज, ये लास्ट क्लास की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी जो ये टर्म है। तो फॉरेन एक्सचेंज हो गया बेटा, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। और कोई चीज, efficient utilization of countries resources, कहने का मतलब क्या है कि international trade से जो एक चीज हमें benefit मिलता है वो ये है कि अगर हम पहले suppose यहाँ पे थे तो अब हम इस तरफ move करने लग जाते हैं। कैसे? तो suppose हमने chapter number 2 में एक चीज पढ़ी थी कि हमारे private sector पे कई तरह की limitations थी और हम लोग सिर्फ उतना ही production करते थे जितना की कंट्री में नीडेड है। तो आप एक बात बताओ कि एक यूनिट प्रोड्यूस करना इजी है, मतलब सस्ता है, या 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने इजी हैं ऑन एन एवरेज? 100
100 ये चीज हमने लास्ट ईयर एक टर्म पढ़ी थी इको के अंदर और बीएस में भी मेबी आपने पढ़ी हो, किसी को याद है क्या बोलते थे इसे? इकोनॉमीज टू स्केल। बिल्कुल सही जवाब, इकोनॉमीज टू स्केल। जब हम लास्ट स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो वो एफिशिएंट होता जाता है, कॉस्ट कम होती जाती है। सो बेसिकली एक तो ये हो गया बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, दैट मींस इफ वी कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, वी वर से प्रोड्यूसिंग ओनली 10 यूनिट्स बिकॉज ओनली 10 यूनिट्स वर नीडेड बाय इंडिया देन। बट जब ग्लोबलाइजेशन आया, नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग 100 एंड इवन ट्राइंग टू गो बियॉन्ड 100, कि हम 100 से भी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें। तो इस तरीके से जो है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है कंट्री के रिसोर्सेज का। क्लियर? सो ये सारे बेनिफिट्स हैं बेटा इंटरनेशनल ट्रेड के, और इसी को प्रमोट करने के लिए 1948 में GATT एस्टेब्लिश हुआ था। GATT का मतलब हो गया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, और GATT जो है वो 23 कंट्रीज के साथ फाउंड हुआ था उस टाइम पे, 23 मेंबर कंट्रीज थी इन द ईयर 1948। इसका मेन जो मोटिव था टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड और एडमिनिस्टर करना जितनी भी तुम्हारी एक्टिविटीज हो रही हैं उसको, टू एडमिनिस्टर, सबसे पहले हम लिख लेते हैं टू प्रमोट इंटर फ्री ट्रेड बिटवीन मेंबर नेशन। और दूसरा हो गया टू एडमिनिस्टर ऑल द मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल का मतलब जब भी जिस भी टाइम हो रहा है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द मेंबर नेशंस इन द इंटरनेशनल मार्केट। सो ये GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। एंड देन 1995 में इसका सक्सेसर कौन बना था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसर ऑफ GATT। आप में से किसी को पता हो कि अभी करेंटली जो है, अगर नहीं पता तो WTO में आई गेस 164 मेंबर नेशंस हैं। स्टार्टिंग हुई थी 23 कंट्रीज से, बट आज के टाइम पे 164 नेशंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रीली ट्रेड करते हैं विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज। कहाँ गया टॉपिक हमारा? ये रहा। सो द WTO अग्रीमेंट कवर्स ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। एट प्रेजेंट देयर आर 164 मेंबर कंट्रीज ऑफ WTO एंड ऑल द मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड अंडर WTO रूल्स। As an important member of WTO, India has been in the forefront of framing fair global rules, regulations, and advocating the interests of the developing world. India has kept its commitments made to the WTO. India has taken reasonable steps to liberalize trade by removing quantitative restrictions on import and reducing tariff rates. According to some scholars, ye kafi important cheez hai that कि क्या इंडिया को WTO का मेंबर होना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं। कुछ लोग तो कहते हैं हाँ जी हमें होना चाहिए, रीजन WTO जो है हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पे हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी एक रेपुटेशन बना सकते हैं और वो सारे बेनिफिट्स आप डाल सकते हो। बट कुछ जो है नाइव स्कॉलर्स जो है उन्होंने ये चीज दी है दैट के मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स अमंग्स द डेवलप्ड नेशंस। कहने का मतलब क्या है कि WTO कहने को तो एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है, बट स्टिल उसे रन करने वाले जो है वो डेवलप्ड नेशंस ही हैं, जिसके अंदर US आ जाता है, UK आ जाता है, रशिया आ जाता है, ये सारे आ जाते हैं। एंड देन डेवलपिंग कंट्रीज आर बीइंग चीटेड एज दे आर फोर्स्ड टू ओपन अप देयर मार्केट्स फॉर डेवलप्ड नेशंस
एंड आर नॉट अलाउड एक्सेस टू मार्केट्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज. आप एक बात बताओ, इंडियन मार्केट के अंदर कितने अमेरिकन ब्रांड्स बिकते हैं और कितने ऐसे इंडियन ब्रांड्स हैं जो कि यूएस में बिकते होंगे, क्या रेशो होगी? Obviously, जो हमारे यहाँ पे जो इंडियन अमेरिकन ब्रांड्स जो बिक रहे हैं वो काफी ज्यादा हैं as compared to इंडियन ब्रांड सेलिंग इन यूएस. तो ये जो है दो क्रिटिक्स के पॉइंट्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं कि इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशंस को WTO का मेंबर बनने का कोई फायदा नहीं है. नेक्स्ट क्लास में बेटा इसके आगे हम डन करेंगे फंक्शंस ऑफ WTO और जो आगे की चीजें हैं. आज के लिए इतना बहुत है, रिवाइज कर लो पिछला सारा का सारा. नेक्स्ट क्लास में होपफुली ये चैप्टर एंड हो जाएगा.